एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगेन वेलकम बैक टू सारंग गुजरातीज एंड कॉमर्स एकेडमी। सो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपना कंटेंट स्टार्ट करने से पहले, कि ये चैनल आपके लिए 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंट एसपी ओसीएम इंग्लिश के मैथ्स के ये सारे जो भी चैप्टर है वो दिन ब दिन अपलोड हो रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। अगर किसी को यू नो स्टडी करनी है यूट्यूब चैनल से तो दे कैन रेफर दिस यूट्यूब चैनल। और हम ट्राई कर रहे हैं हमारे तरफ से कि हम जितना बेस्ट कंटेंट दे सके आपके लिए उतना दे, ठीक है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो फाइंड करने का चैप्टर वाइज, तो आपको कुछ नहीं करना, एक इजी मेथड है कि आपको इस चैनल के होम सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे सारंग गुजरातीज एंड कॉमर्स अकेडमी, इस चैनल पे आना है आपको, हेडर में होम कम्युनिटी ऐसे करके आपको सेक्शंस मिलेंगे, उसमें होम के अंदर आना है। और होम में आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको सेक्शंस मिलेंगे, डिफरेंट सेक्शन, जैसे 11th ओसीएम, 11th एसपी, 12th ओसीएम, 12th एसपी, अकाउंट्स इंग्लिश, ऐसे सेक्शन वाइज और स्टैंडर्ड वाइज आपको इजी रहेगा सारे चैप्टर्स को पढ़ने में। क्योंकि you know, आपके लिए भी बहुत टफ जाता है कि आप प्लेलिस्ट में ढूंढते बैठते हो या वीडियोस में ढूंढते बैठते हो, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं आपको ये बेस्ट मेथड बता रही हूँ कि आप इस चैनल के होम सेक्शन पे जाओ और होम सेक्शन में ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपके रेलेवेंट वीडियोस आपको इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। सो इतना काम करना है आपको। और डेली प्लीज रेफर करो ये चैनल, क्योंकि हम दिन ब दिन ट्राई कर रहे हैं कि एवरी चैप्टर हम यूट्यूब पे कंप्लीट कर ले। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एस, जो ओसीएम का हमारा, एसपी नहीं, दैट इज ओसीएम का हमारा थर्ड चैप्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का 3.4 टॉपिक नंबर, दैट इज चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा विलेजेस वगैरह में कि छोटी मोटी कंपनी होती हैं, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज यूज करके अपना प्रोडक्शन करती है, लोकल मैन पावर यूज करके अपना प्रोडक्शन करती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये हमारे हिस्ट्री से ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हमारे जीडीपी में, जीडीपी के ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत पार्टिसिपेट कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनके लिए बहुत सारी इंसेंटिव्स ला रहा है, जैसे कि स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया है, फिर स्टैंडअप इंडिया है। तो ये सारे जो इंसेंटिव्स है मेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का ही इंसेंटिव लाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कहीं ना कहीं ये स्मॉल स्केल ही इंडस्ट्रीज होते हैं जो सारे लोकल रिसोर्सेज यूज करके हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, या बिग इंडस्ट्रीज जो आगे बिग बिग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कहीं ना कहीं जो गुड सप्लाई होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही होता है। तो अगर अपने कंट्री के जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट करना है तो वी हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों ये चैप्टर हमारे ओसीएम में है। ओके, सो बट इतना इजी नहीं है, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम बोल तो रहे कि हमारे कंट्री के लिए बेस्ट है, हमने ओपन करना चाहिए, ये मेरिट्स है, ये फायदे हैं, ये इंपॉर्टेंस है एंड ऑल दैट। बट आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है 3.4 में, दैट इज चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जब भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई इंसान ओपन करने की कोशिश करता है तो उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो ये इतना इजी, जितना इजी ये बोलना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा रहता है, बहुत जीडीपी के ग्रोथ में बहुत अपना योगदान देता है, बट उतना ही मुश्किल इसके चैलेंजेस होते हैं। इसकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी लौती इंडस्ट्रीज है जो जीडीपी में तो बहुत योगदान देती है, बहुत सारा हेल्प करती है, बट कहीं ना कहीं इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो वन बाय वन हम ये चैलेंजेस आज पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो इनको फेस करना पड़ता है इज ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
अभी इसका मतलब क्या है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों है, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ कैश, दे डोंट हैव इनफ फाइनेंस टू प्रोडक्शन के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने फिक्स असेट पे कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल रहते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो उनके पास जो मोस्टली जो टेक्नोलॉजी रहती है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रहती है, क्योंकि वो इतना जल्दी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं, इतना जल्दी इतने बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि दे यूज ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आजकल अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो मशीन इंसेंटिव्स कंपनी है, मतलब जो ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करके अपना प्रोडक्शन कर रही हैं। बट ये सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहते हैं उनको लेबर इंसेंटिव पे जाना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट ऑन अ हाई टेक्नोलॉजी, है ना, हाई टेक जो मशीन्स रहती है उनके बहुत पैसा लगता है उसके लिए, तो दे डोंट हैव इनफ कैश इनफ फाइनेंस टू इन्वेस्ट ऑन दैट मशीन, सो दे हैव टू गो फॉर अ ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप बोल सकते हो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या लेबर इंसेंटिव पे ही बैठना पड़ता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है इन लोगों को, तो जैसे दूसरी कंपनी जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट भेज देती है, बट इनका जो प्रोडक्शन हो जाता है इन मेथड की वजह से स्लो डाउन हो जाता है। इसी के वजह से ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं कई बार रेस से पीछे छूट जाते हैं और मार्केट में इनका कोई प्रोडक्ट डिमांड नहीं करता है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड दूसरे लोगों ने फुलफिल कर चुका होता है, हाई टेक्नोलॉजी हाई मेथड ये जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी मशीन्स यूज करके प्रोडक्ट बना के ऑलरेडी मार्केट में पहुंचा दिया रहता है। सो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है SSI यूनिट्स का। नाउ सेकेंड इज इनएडिक्वेट फाइनेंस। जैसे मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रही थी कि इनको ये क्यों नहीं अपडेटेड टेक्नोलॉजी ले पाते, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता है, इनएडिक्वेट फाइनेंस रहता है, दे डोंट हैव इनफ कैश इनफ मनी टू इन्वेस्ट। कई बार जो SSI यूनिट्स ओपन करते हैं तो वो अपने घर के सेविंग से या कुछ गिरवी रख के अपने लैंड को अपने घर को अपने कुछ असेट को गिरवी पर्सनल असेट को गिरवी रख के वो ये बिजनेस चालू करते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, क्योंकि जनरली एक इंडिविजुअल ये पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो ये भी लाओ वो भी लाओ, तो दे हैव ऑलवेज हैव टू फेस अ फाइनेंस, आप बोल सकते हो फाइनेंस क्राइसिस ऑलवेज दे हैव टू फेस, ठीक है। सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय SSI। जनरली SSI बिगेन विद द स्मॉल कैपिटल बेस, many of the unit in the small sector raise fund from capital market, these unit frequently suffer from lack of adequate working capital, to unko loan lena padta hai working capital ho ya unke fixed capital ke liye unko loan lena padta hai, kahi kabhi bar aisa bhi problem aa jata hai ki ye loan ka interest bhi wo pay nahi kar pate, fir jo bank hai उनके SSI यूनिट्स को जब्त कर लेते हैं, तो दे ऑलवेज हैव टू फेस, क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, गांव खेड़े में बसे हुए लोगों ने स्टार्ट किया रहता है तो उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। नाउ थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ रॉ मटेरियल का उनको प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ता है, जैसे कि अगर आप देखोगे जो लोकली रिसोर्स मिलते हैं इतने अच्छे नहीं मिलते, ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारा कॉम्पिटिशन आ गया है मार्केट में, तो वो कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए यू हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड इन अ क्वांटिटी। क्वालिटी नहीं रहेगा आजकल तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को भाव ही नहीं देगा, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। तो जो अच्छी वाली रॉ मटेरियल होती है अगर दे डोंट हैव इन लोकल, ठीक है, अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उनके पास ऐसा कोई मीडियम नहीं हो पाता है जिससे कि वो बाहर से मंगवा पाए, क्योंकि पैसा नहीं रहता है उनके पास, ट्रांसपोर्टेशन इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता है, तो ये सब दिक्कतों के वजह से जो रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल होता है वो जनरली क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं होता है, और क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं मिलने से उनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो भी क्वालिटी नहीं दे पाता है। सो इसके वजह से कस्टमर जो है इनके प्रोडक्ट को नहीं भाव देते हैं या इनके प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते। सो अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ SSI इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू द SSI हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी
एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और पे मोर प्राइस टू गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. सो इनको हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करना रहता है अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, एंड हेंस वो मार्केट में हर वक्त पीछे रह जाते हैं अगेन. ठीक है, सो ये तीसरा चैलेंज था जो SSI यूनिट्स को फेस करना पड़ता है. नाउ फोर्थ इज लेबर प्रॉब्लम. एज सच आप अगर मुझसे पूछोगे तो इनके लिए इजी लेबर सप्लाई होता है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप देखोगे किसी गांव में तो हर जगह लेबर मिल जाते हैं ना, सस्ते में लेबर मिल जाते हैं. जहां भी अगर आप एडवर्टीजमेंट छोड़ दो तो बहुत सारे लेबर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि बेरोजगार बहुत बैठे हुए हैं. ये किस चीज की बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं स्किल्ड लेबर की. ठीक है, अनस्किल्ड लेबर की तो बौछारे इनके पास है ना, लेकिन इनके पास स्किल लेबर नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो. स्किल लेबर, स्किल इंप्लॉयज की आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उससे आपके प्रोडक्ट पे इंपैक्ट पड़ता है. तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनस्किल्ड वर्कर, दे आर टॉकिंग अबाउट स्किल्ड वर्कर. सो दे हैव ऑलवेज अ इनएडिक्वेट लेबर सप्लाई. मोस्ट ऑफ SSI रिक्रूट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल वर्कर ऑन अ डेली बेसिस. दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म एंड पुअर जॉब कमिटमेंट. तो अनस्किल्ड वर्कर को लेने के कारण प्रॉब्लम क्या आता है कि वो अनस्किल्ड जो रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं रहते, बहुत छुट्टियां लेते हैं, प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता है उनमें. ठीक है, बात करने की तहजीब नहीं रहती. तो ये सब चीजों के वजह से दे हैव टू फेस मेनी थिंग. ठीक है, अराउंड देम दिस द वेजेस आर लो ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशन विच टर्न इनटू लेबर डिससेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर. नाउ अभी इन्होंने एक लेबर टर्नओवर की बात की हुई है. अभी ये क्या बोल रहे हैं जरा गौर से सुनना कि क्या होता है. अब इनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, तो पैसे कम होने के वजह से जो लेबर को हम पैसा देते हैं एज अ डेली वेजेस वो भी बहुत कम देना पड़ता है. अगर मार्केट में 500 चल रहा है तो इनको 300 में रखना पड़ता है. तो कभी कभार वो आ जाते हैं बट फिर वो छोड़ के भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, बिकॉज उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता जितना पैसा मिल रहा है. उनको कोई और कंपनी मिल जाती है जहां पे वो काम करते हैं, तो ये सब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो वो छोड़ के जाने को हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर. दे हैव टू फेस मेनी टाइम हाई लेबर टर्नओवर, मतलब बहुत सारे लेबर बार बार छोड़ के चले जाते हैं. और आपने ये देखा होगा कि कोई कंपनी में अगर कोई इंप्लॉय और लेबर बहुत बार छोड़ के जा रहे हैं तो वो कंपनी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है. क्योंकि क्या है, आप उन लोगों को सिखाते हो, सिखाते सिखाते वो सीख जाते हैं, और जब वो सीख जाते हैं तो लेबर छोड़ के चला जाता है, इंप्लॉई छोड़ के चला जाता है. तो इट इज कभी भी ये अच्छा नहीं रहता है कंपनी के लिए. इसीलिए किसी भी कंपनी में कम से कम, किसी भी इंडस्ट्रीज में कम से कम लेबर टर्नओवर होना चाहिए, कम से कम लेबर छोड़ के जाने चाहिए. इम्प्रॉपर शिफ्ट, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी मेक्स इंप्लॉयमेंट इन जॉब इंडस्ट्रीज अनअट्रैक्टिव एंड टैलेंट वर्कफोर्स डज नॉट ऑप्ट फॉर सच जॉब. सो कभी भी जो अगर स्किल्ड वर्कर भी रहते हैं तो ये सब देख के, किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये सिचुएशन देख के कि उनके पास तो पैसा भी नहीं है देने के लिए, वो तो बोनसेस भी नहीं देते हैं है ना, सेटिस्फैक्शन भी नहीं देते, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं देते. जॉब सिक्योरिटी मतलब पेंशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुटी फंड हो गया, ये प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब भी नहीं देते. तो क्यों एक स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड इंप्लॉय उधर काम करने को जाए? तो दे हैव ऑलवेज फेस लेबर प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ फिफ्थ इज मार्केटिंग प्रॉब्लम. सो मार्केटिंग मतलब क्या होता है? आजकल एक नया टर्म निकला है कि आपको एडवर्टीजमेंट के साथ मार्केटिंग करना पड़ेगा. मार्केटिंग मतलब कस्टमर के नीड्स को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा. बट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इतनी ज्यादा कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इतना ज्यादा उनका रिव्यू नहीं ले पाते हैं, हेंस अगेन वो रेस में पीछे रह जाते हैं. तो आज ये मार्केटिंग जो है वर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के सक्सेस के लिए, एक इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए. और वही चीज आज SSI यूनिट नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ मेनी थिंग. मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट रेवेन्यू. जैसे मैंने बोला था, मार्केटिंग आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो एक इंडस्ट्री को करना रहता है. इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड एंड
रिक्वायरमेंट. तो जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो इट व्हाट इट्स रिक्वायर इज थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज अ वीकर एरिया ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री. सो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज जनरली मार्केटिंग फंक्शन नहीं कर पाते हैं, वो उनका एक कमजोरी ही रहता है. दिस SSI हैज टू डिपेंड ऑन एक्सेसिवली ऑन मिडलमैन हु एट टाइम एक्सप्लॉइट देम बाय पेइंग लो प्राइजेस एंड डिलेड पेमेंट. फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग मे नॉट बी फीसेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस फर्म एज दे लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर. सो कभी कभार वो मिडलमैन पे डिपेंड तो रहते हैं, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए. तो ये जो SSI होते हैं वो होलसेलर एंड रिटेलर पे डिपेंड तो रहते हैं, बट मेनी टाइम वो उनको ही एक्सप्लॉइट कर देते हैं, है ना. मतलब कि होलसेलर ने कुछ झूठी बात बता के उनको कुछ तो भी एड़े में निकाला, ऐसा कुछ तो भी वो कर देते हैं. तो मतलब इतना ज्यादा SSI यूनिट के लिए मार्केटिंग फंक्शन फीसेबल नहीं हो पाता है. और डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए, मतलब डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मार्केटिंग. ठीक है. सो ये मार्केटिंग जो आप वर्ड सुन रहे हो बार बार मेरे मुंह से, वो आप 12th में आके डिटेल में पढ़ने वाले हो, डोंट वरी. ठीक है, तो इतना टेंशन मत लेना कि मार्केटिंग मतलब क्या है. ओके, नाउ सिक्स्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय SSI यूनिट इज प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो अगेन ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होता है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल बारिश हो रही है ना, तो बारिश में जो गांव खेड़े के रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरे के पूरे कच्चा रोड होता है. कच्चे रोड में पानी, मिट्टी पूरी धसी हुई रहती है, जहां पे कोई मोड नहीं रहता, कोई इंसान को पहुंचने का तो रास्ता नहीं रहता, तो उधर गाड़ियां हैवी ट्रक कैसे पहुंच सकती हैं. तो SSI यूनिट्स को मेजर ट्रांसपोर्ट, मतलब अपना गुड्स वो कस्टमर मार्केट तक भी नहीं पहुंचा पाते, और मार्केट से रॉ मटेरियल अपने इंडस्ट्री तक भी नहीं पहुंच पाता है. तो इसके वजह से डिलेड इन बहुत सारी चीजें होते हैं, उनका डिले हो जाता है प्रोडक्शन करने में, लेबर नहीं पहुंच पाते, तो ये सारी चीजों का प्रॉब्लम हो जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से लेबर भी नहीं पहुंच पाएगा, तो रॉ मटेरियल भी नहीं पहुंच पाएगा, तो प्रोडक्शन कहां से होगा. तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इट इज नेसेसरी फॉर SSI टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल and finished good. Due to lack of transport facility, it is difficult to transfer raw material from market to factory and finished product from factory to consumer. So, hence prove they have lot of problem, and again they are sick, has to face sickness. Sickness मतलब जो ऊपर से नीचे तक पड़ा ना, तो इसी में मैं बोल देती हूँ कि सिकनेस मतलब कि वो ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाते. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इनएडिक्युएट फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम, ये सब के वजह से वो ऑलवेज एक सिक कंपनी कहलाती है. सिक कंपनी मतलब बीमार कंपनी, जो कभी आगे नहीं बढ़ पाती है. मतलब अगर जब तक उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट या ऐसे इंसान का सपोर्ट नहीं मिलता है जिनके पास बहुत पैसा है, तब तक उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है. बिकॉज हर एक चीज के लिए फाइनेंस लगता है, क्योंकि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. जब तक उसमें फाइनेंस फ्लो नहीं करेगा, तब तक वो कंपनी चल नहीं पाएगी. तो ये सारे चीजों के वजह से वो हर वक्त डिलेड पेमेंट का शिकार होता है. मतलब कि वो अपने क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट नहीं करता, तो नेक्स्ट टाइम क्रेडिटर भी उसे गुड्स सप्लाई नहीं करता, या ट्रांसपोर्ट क्वालिटी गुड्स नहीं आती, तो क्वालिटी फिनिश क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं आता, तो क्वालिटी फिनिश गुड भी प्रोड्यूस नहीं होता. तो ये सब के वजह से SSI यूनिट्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज सिकनेस इंडस्ट्री. मतलब कि वो इंडस्ट्री हर वक्त बीमारी रहती है, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकता है. बट कहीं ना कहीं हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इन कंपनी को हमको बहुत संभालने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के जो हमारे ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ के लिए, हमारे ओवरऑल GDP के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हमने पहले ही सेक्शंस में पढ़ चुका है. सो प्रेवलेंस ऑफ सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्री हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ वरी टू बोथ द पॉलिसी मेकर एंड एंटरप्रेन्योर. द कॉज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन लेबर, जैसे हमने सेकेंड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट में पढ़ा. लैक ऑफ मैनेजेरियल एंड मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग अभी पढ़ा हमने.
कि ना ही उनके पास प्रॉपर मैनेजेरियल स्किल रहता है, मैनेज करने का स्किल एंड मार्केटिंग स्किल. एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या होता है? एक्सटर्नल प्रॉब्लम मतलब उन डिलेड पेमेंट होता है, वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इनएडिक्वेट लोन एंड लैक ऑफ डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट. और जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो जनरली मार्केट में नहीं पूछता कोई उन्हें, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो बनता है ड्यू टू दे हैव ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो फिनिश गुड बनता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हो पाता है. सो उनका डिमांड जनरली कम होता है और वो ज्यादा कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाते, ज्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते. तो हेंस दे हैव टू फेस सिकनेस. नाउ एट पावर सप्लाई एंड इररेगुलर सप्लाई. अगर आपको पता होगा सिचुएशन गांव में, गांव घेड़े में कैसा सिचुएशन रहता है, उधर टाइम पे लाइट कभी आती नहीं है, ठीक है, जाने का टाइम फिक्स रहता है, आने का टाइम कभी फिक्स नहीं रहता है ना, यही रहता है. तो गांव में अगर आप कहीं कहीं ऐसे, मतलब इंडिया के कहीं कहीं स्टेट में तो अभी भी ऐसा सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया, या तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाया तो उधर टाइम पे लाइट आना फिक्स नहीं होता है ना. तो जाना तो फिक्स होता है, आना फिक्स नहीं होता. बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, फिर लाइट में वो कनेक्शन तार फंसा देते हैं, उसके वजह से वो फ्यूचर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है हम लाइट ही नहीं देंगे, है ना. तो ऐसा किसी किसी महाराष्ट्र में ऐसा अभी अभी कुछ तो भी आया था जहां पे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि ऐसा चलेगा नहीं और हम लाइट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो ऐसे एरिया में जनरली पावर सप्लाई नहीं रहता है, और पावर नहीं रहा तो मशीन्स तो चल ही नहीं पाएंगी. मशीन, लाइट वगैरह ये सब नहीं रहा तो लेबर कहाँ से काम कर पाएंगे. हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है आजकल वो लाइट पे ही चलती है. तो दे हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. सो हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, लोड शेडिंग, पावर फ्रीक्वेंट पावर कट, इररेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, राइजिंग पावर चार्जेस बैडली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी. सो आजकल पावर का भी, पावर का जो हर एक मीटर का कॉस्ट हो गया है ना, तो वो भी बढ़ रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे. तो ये सारी दिक्कतें एक SSI यूनिट्स को हो रहा है. नाउ नाइन्थ इज ग्लोबल कॉम्पिटिशन. ग्लोबल कॉम्पिटिशन मतलब कि उनको मार्केट में जाके उनको अब सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं रह गया, अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी फेस करना पड़ रहा है. क्योंकि पता होगा आपको 1991 के बाद हमने जो अपना इम्पोर्ट है वो हमने जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हमने रिड्यूस कर दिया है, गवर्नमेंट को रिड्यूस करना पड़ा किसी कारणों के कारण, ठीक है. सो जो टैरिफ रेट है, सारे टैक्सेस है, उसको हटा दिए गए हैं. नाउ इंटरनेशनल मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी गुड्स बाहर से सप्लाई कर रहे हैं. तो अगर आप देखोगे कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है और जो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो लोग जो है वो ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट के गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अपने इंडिया के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है. कभी कभी तो वो सस्ते प्रोडक्ट भी रहते हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स गुड, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन रहता है वो बल्क प्रोडक्शन रहता है, क्वालिटी प्रोडक्शन रहता है. तो इन सब रीजनों के वजह से SSI यूनिट्स को आज सिर्फ डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ रहा है, दे हैव टू फेस ग्लोबल कंपटीशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटेड अबव, स्मॉल बिजनेसेस आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ LPG, मतलब कि जो 1991 में, वही बोला मैंने 1991 में एक चेंजेस आया था जिसके वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, है ना, बैरियर हटा दिए थे, ग्लोबलाइज स्टेज पे चले गए थे. सो पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय सेवरल कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड. सो LPG के वजह से आज हमारी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ही बहुत बड़ा झटका लगा है. सो एक तरह से हमारे GDP के लिए अच्छा भी है, क्योंकि हमारे फॉरेन के लोग हमारे कंट्री में इंटरेस्टेड हैं, और एक तरह से बुरा भी है क्योंकि हमारे ही कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट चैलेंजेस फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो अगर इसमें से कुछ डाउट है तो प्लीज, आपको कमेंट सेक्शन है नीचे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो प्रॉब्लम, वो क्योरी, वो डाउट आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है. और तो इतना ही है, प्लीज हमारा चैनल फॉलो करते जाओ. अगर आपको
पसंद आता है वीडियो तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, इससे और कुछ नहीं होगा हमारा, कुछ बहुत करोड़ों में लाखों में हमको पैसे नहीं मिलेंगे, जस्ट ये पता चल जाएगा हमको कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो दैट वी टाइम टू टाइम और मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम डेली, चाहे वो सारंग सर हो, चाहे वो मैं हूं, या चाहे वो अदर फैकल्टी हो हमारे SGCA के, वो टाइम टू टाइम आपके लिए बेस्ट वीडियोस ऐसे ही यूट्यूब पे बनाते रहें। सो ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।